क्या अब तू ये करेगा? लो सारा काम पूरा कर दिया, अब जो तू ये करेगा? लो जी, अरे और भी बहुत काम है यार जो तू इसके पीछे लग गया है। छोड़, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ये काम करने के लिए, छोड़ छोड़ तेरे बस की नहीं है। अरे छोड़ यार, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है इसके साथ, अपने घर वालों का, अपना फालतू में। छोड़, तेरे से नहीं होगा ये। अरे कुछ जाके और कर, पढ़ ले, लिख ले, कुछ और कर, कहीं छोटी मोटी जॉब देख ले, ये करना। कहाँ इन चीज़ों के पीछे पड़ा है? अरे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, तेरे बस की नहीं है, कुछ मत करिए। चल जा, छोड़ यार। तो देखा गाइस आपने, कितनों के साथ ये घटना होती है, कितनों के साथ ये होता होगा, कितनों के साथ ये हो रहा होगा। तो करते हैं इसी बात पर चर्चा। मैं हूँ सीमा, आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो आपको सबसे पहले टॉपिक को देखकर समझ में आ चुका होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। गाइस क्या होता है, कितने लोग हम में से, मैं हूँ, आप हो, कोई और है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसा काम जो उसके सपने हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, वो अपने सपनों को, अपने जो वो करना चाहता है उन सपनों को अगर वो किसी अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोसी, अपने किसी भी जानने वालों को जब ये बातें बताता है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, तो पता है आपको क्या होता है, सबसे पहले परिवार वाले उंगली उठाते हैं कि तू ये करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब तेरे से नहीं होगा, उसको डिमोरलाइज किया जाता है। एंड देन परिवार को छोड़ो, उसके बाद उसके आस पड़ोसी, रिश्तेदार, बिरादर, यू नो, जितने भी लोग होंगे उसके जानने वाले, उसको क्या कहते, क्या करते हैं, उनकी उसकी जो इच्छाएं होती है, उसके जो सपने होते हैं ना, उसको दबाया जाता है, उसको डिमोरलाइज किया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता है। तो उस वक्त यही सब हम लोग सुनते हैं, तो क्या होता है, हम में हीन भावना आती है, हम अपना जो हमारा करने का मकसद होता है वो क्या पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो कमज़ोर यूं ही नहीं पड़ता है, हम खुद ही इतने कमज़ोर होते हैं कि हम उनकी बातों को मान लेते हैं कि यस हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ऐसी घटना हर किसी के साथ होती है, तो आज मैं इसी बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। गाइज क्या होता है, हम में से कितने लोग हैं जो हर एक कुछ नया करना चाहता है, हर एक नए फील्ड में जाना चाहता है, जहाँ पे हम अपना नाम करें, काम करें, हमको फेम मिले, वहाँ पे मनी मिले, हमको यू नो पहचान मिले, अपनी एक पहचान हम बना पाए, हर एक इंसान ये चाहता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर हमने ये चीज़ सोच ली है, हमने मान लिया हमें ये करना है, तो हमने ना लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग हमको कितना भी डिमोरलाइज करें, कितना भी बोलें, हमारा परिवार बोले, रिश्तेदार बोले, अड़ोसी बोले, पड़ोसी बोले, हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को उनको बताना नहीं है, हमने उस पर वॉक करना है, ना कि हमने पब्लिसिटी करनी है। अगर हमने कोई चीज़ ठान ली है, दिल से अगर ठान ली है, तो हमें क्या करना है, उस पर एक सबसे पहले हमने नोटबुक पे, किसी भी डायरी पे हमने उसको मेंशन करना है कि हमने क्या करना है, आज के दिन पे हमें क्या करना है, हर रात को ये सोचना है, सुबह को उसे लिखना है। ठीक है, या आप सुबह सोचो और रात को लिखो एकांत में बैठ के, देन उसके बाद आप हर दिन ऐसा करते रहो और उस टॉपिक को लिखो और अगले दिन उसे अप्लाई करो अपनी लाइफ में। आपको अगर पढ़ाई ही करनी है, आपको IAS PCS कोई भी एग्ज़ाम अगर निकालना है, आपने उसमें भी क्या करना है, आपने कोई भी सब्जेक्ट अगर पकड़ना है, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है, उसको पहले आपने लिखना है कि मुझे आज ये क्लियर करना है, तो आप उसे लिखोगे एंड देन उसे पढ़ोगे, समझोगे, एक टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा, आपका दिन क्या होगा, यूटिलाइज होगा, एक स्टेप बाई स्टेप कदम उठाने का। वैसे ही अगर आपने कोई भी नया वर्क करना है, कोई भी नया काम अगर करना है, तो उसकी शुरुआत हमें ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना होता है। तो ये नहीं कि हमने कुछ सोच लिया, कुछ अंदर मान लिया, तो हमने सोचने पर ही हमने ढिंढोरा बजा दिया और गांव में, रिश्तेदार परिवार में हमने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, देन आप अपने काम को वहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ तक आप चाहते हो। अदरवाइज़ क्या क्या होगा, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे पग पग पे जो आपको डिमोरलाइज करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अपने सपनों को सबसे पहले खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि आप उसे कर सकते हो, उससे पहले आपको किसी को नहीं बताना है। ठीक है, आप उसके लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रह जाओ, और उसके बाद अगर आप कभी पता चलता है, अगर बताते हो कि यार हमें ये करना, अगर वो ऐसा आपको कहते भी है ना, तो दो कान दे रखें, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो,
ठीक है, तुम कभी भी ये मत बोलो, ये वही लोग होते हैं जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है, जो कुछ ना ना तो खुद करते हैं, ना करना चाहते हैं, ना दूसरों को करना पसंद करते हैं, इसलिए वो दूसरों को भी ये सोचते हैं कि ये भी ना करे, और उनको इतना भरोसा खुद पे भी नहीं होता, और दूसरों को भी नहीं सोचते कि यार कि ये कर पाएगा, वो दूसरे को भी बस यही चाहते हैं कि ये भी ऐसी रहे, निठल्ला घूमता रहे इधर उधर। ठीक है, तो इन लोगों की बातों पर आना भी नहीं और ना ही बताना है, इन लोगों से दूरी बनाए रखनी है। ठीक है, संगति उसी इंसान की करो जो तुमको क्या करे, आपको मोटिवेट करे, आपको प्रेरणा दे, अच्छी बात दे, अच्छी सीख दे, कुछ आपको सीखने को उनसे मिले, और आपको अप्रिशिएट करे हर बात पे, आप उनका साथ दो, उनकी बात सुनो। लेकिन जो आपको लाइफ में कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते हो, कहाँ, ये हमारी बस की नहीं है, ये तो करने में बहुत ही होता है, दोस्तों कभी भी इन बातों को ना दिल से मत लो। जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, उनकी बातें सुना अनसुना करो बस, और उनकी बातों को दिल पर लगाना भी नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ, सपोज़ दैट आज कौन नहीं चाहता, हर एक आजकल डिजिटल मीडिया इतना आगे जा चुका है, हर एक सोशल मीडिया से जुड़ चुका है, हर एक यूट्यूबर बनना चाहता है, हर एक देखो ना, हर एक फील्ड पे इस चीज़ पे अपना एक अलग पहचान बनाना चाहता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, छोटी सी आपको एक मिसाल देती हूँ, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपने अपनी स्टार्टिंग करी, कमरे के अंदर आपने बनाया है, यू नो अपना छोटा छोटा जो भी है स्टूडियो बना रखा है, मोबाइल कैमरे से आप बना रहे हो वीडियो, अगर आप ये पब्लिसिटी अपने घर में, पहले तो घर वाले आपको टोकेंगे, ठीक है, वो घर वाले बुरा नहीं चाहते, लेकिन यू नो आजकल ये है कि घर वालों को भी भरोसा नहीं रहता अपने बच्चे की, बस ऐसे ही करता रहता है, क्या कर लेगा अब, बस यही काम रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ें वो उनको, उनका कहना जायज़ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए हमारे बच्चे में काबिलियत क्या है, क्या वो इस फील्ड में काम कर रहा है तो क्या वो सक्सेस हो सकता है, उसको टाइम देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बाहर वाले अगर पता चले, बाहर वालों को आप बता दो, यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ ये करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो वो लोग भी आपको डिमोरलाइज करेंगे, देखेंगे भी नहीं, और आपको क्या करेंगे उस पर भी आपको ना और नीचे को धक्का देंगे कि मत कर, ये कहाँ कर रहा है, अब इसमें क्या है तेरा करियर, क्यों कर रहा है, या क्या मतलब, वहाँ पे भी आपको क्या किया जाता है, साइट डाला जाता है। तो ये भी एक छोटी सी बात है जो समझनी चाहिए, लेकिन इन बातों से आपको कतई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रीज़न ये है, आपको जो यहाँ से लगता है कि मुझे ये करना है तो आप करो, आपका जो पेशेंस है ना आप उसको आगे ले जाओ, वही तुम्हें आगे ले जाएगा। आप लोगों की मत सुनो, लोगों को करके दिखाओ। मेरा मतलब इतना है कि आप ना करने से पहले ढिंढोरा मत पीटना, वरना आपको ना लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे और फालतू में आपका दिमाग खराब होगा, आपको मतलब वो काम करने से पहले 100 बार आप सोचोगे, लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है ना तो फटाक से कर डालो। सोचने पर तो 100 बात दिमाग पर आती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दिमाग में चलता रहता है, तो इसलिए जब आपके पॉजिटिव आ चुका है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, आप पे वो काबिलियत है, आप वो करना चाहते हो तो आप करो। और ऐसे लोग जब मिलते हैं रास्ते में तो उनको हटाओ, उनकी बातों को इग्नोर करो, ठीक है, और उन्हें ये बातें शेयर भी मत करो, हो सकता है इसका वो गलत फ़ायदा उठाए कहीं पर आपका, है ना, तो भरोसा एकदम से किसी पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए उनको इन्वॉल्व ही मत करो, आप अपने काम पर ध्यान दो, अपना काम करो, एक ना एक दिन उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई बंदे में दम था, तब वो तुम्हारा फ्रेंड्स हो जाएगा, आपको खुद वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा कुछ ही दिनों में, अगर आपकी पहचान होने लगी, आप जानने लगेंगे आपको दो चार लोग, तो वो खुद बोलेगा कि ये मेरा फ्रेंड है। तो गाइस ये है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रास्ते पे, आपके करियर पे, आपके किसी भी ऐसे काम में अगर लोग ऐसे मिलते हैं तो आप उन लोगों को इग्नोर मारो, उनकी वजह से आप डिप्रेशन या कुछ हीन भावना अपने लाने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे यूट्यूबर हैं, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, जिनको क्या होता है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना मुकाम उन्होंने पा लिया है और पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपना सब कुछ उनका ओके चल रहा है, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके चैनल पर जाके, अब क्या बोलूं? उनको खुद तो कुछ करना है नहीं उनको, लेकिन सामने से अगर जब बंदा कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर भी उंगलियाँ उठाना उनकी फितरत होती है। अरे अगर इतनी तुम पर अगर गट्स है ना तो आगे जाके बोलो, क्यों दूसरे को इतना हर्ट करते हो, इतने हेड स्पीच करते हो, इतना मतलब यार किसी की फैमिली वाले देखते हैं, मैसेज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, आप इतने गंदे गंदी बातें वहाँ पर कर लेते हो, गाली गलौज कुछ भी गलत शब्द,
उसके फिजिकल, उसके शक्ल सूरत, उसके नाक नक्शे, यू नो उसकी हरकतों, उसके फैमिली के बारे में आपको क्या हक है बोलने का। तो इसलिए मैं उन वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगी, आप ऐसे तुच्छ लोगों की बातों को मत देखो ना ही सुनो। ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले काफ़ी हैं हमारे देश में, देश में क्या बाहर, क्या अगल बगल, हमारे जस्ट बगल में बैठे होंगे कितने लोग होते हैं। हमें अपने काम पर ध्यान देना है। एग्जैक्ट मैं भी यही हूँ, मुझे भी क्या, मेरे पे नहीं होंगे नेगेटिविटी फैलाने वाले, काफ़ी होते हैं गाइस, हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन ना यहाँ पे भी दो कान है, यहाँ से सुनो यहाँ से निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमको अपने काम पर ध्यान देना है, ठीक है। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। ये नहीं है कि हमें कोई हम गंदा काम करें जिस पर हमें हमारे माँ बाप को, हमें हमारी फैमिली वालों को, रिश्तेदार को कुछ बुरा सुनने को मिलेगा। ऐसा तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आप पर कोई उंगली उठाए अगर आप सही हो तो। इसलिए फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, आपका जो काम है आप उसे टारगेट बनाओ और उसे फॉलो करो। बस एक आप अपना गोल फिक्स कर लो, दैट्स इट। ऐसे रास्ते पर मिलने वाले लोगों को दूर से ही टाटा बाय करो, ख़त्म, ठीक है। तो गाइज ये रहा मेरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर इतनी सी बात अगर आपको मेरी अच्छी लगी, आपको इस चीज़ से थोड़ा मोटिवेट हुए, तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक करना वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। गाइज़ प्लीज़ मैं आपको फिर बताती हूँ, मैं जो ये आपसे इतना बोल रही हूँ क्योंकि ये एक वास्तविक बात है, इसलिए ये हर किसी के साथ होती है, हर किसी के साथ हो सकती है। सो मेरा मेन मोटो है आप लोगों तक अपने विचार रखना कि बस जो मैं दे चुकी हूँ और देते रहूँगी आगे को भी, जो भी एक नया टॉपिक होगा आप लोगों के सामने ज़रूर मैं पेश करूँगी गाइस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।